दूसरी मर्तबा आपके इस गांव में आया हूं, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जो एकता चाहिए थी, यानी जो आज के नफरत के दौर में जो हम एक साथ आना चाहिए, वो इस गांव में मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बुरखे वाली लड़कियों ने मंदिर की सफाई की है और टीके वाले लड़कियों ने मस्जिद की सफाई की। शान जो है, हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत की जो शान है, जो आन है, वो बान है, वो ये सब यहाँ पर है। और हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि एक छोटा सा हिंदुस्तान इस ग्योरे कुबेर में बसता है। और हमने और बड़े खुशी के साथ मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर शेख कबीर सर, टाकले सर, रिजवान सर, हुसैन सर, परवेज असलम सर, प्रदीप सर, असमा मैडम, मैमनत मैडम, ये लोगों का जो हमको सपोर्ट रहा है, ये सबसे बड़ी बात रही है। ये लोगों ने जो सपोर्ट किया है, अगर प्रिंसिपल सर इजाज़त नहीं देते तो हम लोग कैंप में नहीं आते। प्रिंसिपल सर इजाज़त देते और अगर हुसैन सर हमको कोऑपरेट नहीं करते तो कैंप कामयाब नहीं होता। कैंप में आने के बाद परवेज सर डायरेक्शन नहीं देते तो कैंप कामयाब नहीं होता। और परवेज सर के बाद प्रदीप सर अगर इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो कैंप कामयाब नहीं होता। और आप लोगों का जो सपोर्ट मिला है, मैं बड़े फख्र से कह रहा हूँ, फॉर द एग्जाम्पल अप्पा का, अप्पा का जो सपोर्ट रहा है सरपंच सर के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है तो अप्पा का, उनके वास्ते जोरदार एक बार ताली। मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, या गांव का कोई नाली का काम हो, या तालाब का गाल निकालने का काम हो, हर जगह अप्पा साथ में थे, है। और हमें उम्मीद है कि अगर 10 बरस भी यहाँ पर कैंप लगता रहा तो अप्पा हमारे साथ रहेंगे। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। और इतना कहकर मैं तमाम गांव वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को पता है, हम औरंगाबाद में रहते हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज होने के बाद हम लोग कहते यार हमारे पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है। अगर एक सेकंड या 10 मिनट लाइट चली जाए तो पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब देखा हमने कि 8-8 घंटे लाइट नहीं है, उसके अलावा गांव के बीच में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो ये लोग कैसा रहते होंगे। तो हमें भगवान का और अल्लाह का जो यानी जो दिया हुआ है उस पर हमने शुक्रिया अदा किया कि जो कुछ है हमारे पास बहुत अच्छा है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये जो हमारे मैडम ने बताया कि यहाँ पर हम लोग मोबाइल से बहुत दूर हो गए, और उसके लिए आपके गांव को बहुत बहुत मुबारक कि आपके पास बीएसएनएल के अलावा किसी और को टावर ही नहीं कोई गलती से भी चाहे कि मैं मोबाइल निकाल कर एक आधा मैसेज करूँ तो टावर ही नहीं आता। पहाड़ पे चले जाओ या वो छोटी क्यों रही कि स्कूल में चले जाओ, टावर है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। और एक शेर पर मैं अपनी तकरीर को या और अपनी इस स्पीच को ख़त्म करना चाहता हूँ कि बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। और हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है।